द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए, जहां विष्णु भगवान तथा शंकर भगवान विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्युओं की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि इसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दो चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीन नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर दो तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड दिया। सागरपति ने पाश, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोम कोपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने ना होने वाले दो वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि ने दिव्य कुंडल तथा दो कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेकों रूपों वाले अस्त्र, अभेद, कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य
कभी ना कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागाहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभ ग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के क्रीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिछुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1,00,000 रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमो वाला असीलोमा नामक दैत्य 5,00,000 रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60,00,000 रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घुड़सवारों के समूहों से घिरा हुआ 1,00,000,000 रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5,000,000,000 रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर 1,00,000,000 रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगागन में स्वयं महिषासुर भी 1,00,000,000 रथों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर भिंदीपाल शक्ति परशु पट्टीश खड़ंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषि गण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती ही जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणीत हो गए।
प्रकट होकर उन गणों ने खंग भिंदी पाल परशु पट्टीश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे, साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए, तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुक कर डाला। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शयेन पक्षी अर्थात बाज की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न छिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा एक आंख एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर उठ पड़े। परम क्रुद्ध होकर वे कबंध यानी कि धड़ द्वारा ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवारें शक्तियां रिष्टियां लेकर घूम रहे थे, और कई एक मां असुर देवी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महा युद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महा असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे।